अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 7:30-8 बजे से। और शहरी हमारी हो गई थी, उसके बाद में मैंने अपने बेटे को स्कूल भी भेज दिया है। और ये हम गए थे डॉक्टर के यहाँ एक जगह जो कि गांव था एक। और ये देखें, यहाँ पर गेहूं की फसल जो कि पूरी तरह से रेडी हो चुकी है कटने के लिए। और ये देखें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से ये फसल कट भी चुकी है और फिर यहाँ पर इसे जलाया जाता है खेत को, ताकि इस पर फिर से कोई नई दूसरी फसल उगा सकें। और ये देखें, दूर दूर तक हमें ये सिर्फ गेहूं ही गेहूं नज़र आ रहे हैं। और ये जस्ट बराबर में ही यहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ भी थे, जिन पर छोटी छोटी सी आम आने शुरू हो गए हैं। और ये बराबर में मैरिज हॉल था। और मैंने जाते टाइम की वीडियो शूट नहीं की थी, तो ये हम आ रहे थे वहाँ से दवाई लेकर, तो मैंने रास्ते में से ककड़ी और ये गाजर खरीदी थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं गर्मी में। और यहाँ पर से मुझे लेना था एक, मेरे पास इसी तरह का वाटर कूलर है और उसका, बट मेरे पास स्टैंड नहीं था, तो मुझे यहाँ से लेना था स्टैंड। और यहाँ पर कई तरह के स्टैंड थे, लोहे के, प्लास्टिक के, तो मैंने एक स्टैंड यहाँ से ख़रीदा है। और ये यहाँ पर रास्ते में से आते टाइम बहुत सारे गन्ने की ट्रॉली यहाँ पर खड़ी हुई थी, शायद यहाँ पर शुगर मिल थी। और काफ़ी सारी लाइन यहाँ पर थी गन्ने की ट्रॉली की। और यहाँ पर आते टाइम सिर्फ और सिर्फ ढाबे और कॉलेजेस, ये भी एक कॉलेज था काफ़ी अच्छा, HLM, IMR, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पर पढ़ रहे थे। और रास्ते में कॉलेजेस ये देखें, इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ पर थे काफ़ी सारे। और अब हम आ गए थे गाज़ियाबाद और ये हम आए हैं यहाँ शॉप पर। और ये शॉप है मेरे देवर की। और ये देखें, ये वीडियो में आ गए हैं। और इनके शॉप के जस्ट बराबर में एक बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद है जो मैं सोच रही थी कैप्चर करने के लिए। आज फाइनली मैंने एक छोटी सी वीडियो इसकी बना ही ली। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, छोटी सी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, ये देखें। और अब हम घर आ गए थे और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, उसके बाद मेरा बेटा आ गया था स्कूल से और उसको भी हमने कुरान पढ़ने के लिए भेज दिया था खाना वगैरह खिलाने के बाद। और फिर मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, तो फिर मैंने उन्हें ट्यूशन वगैरह पढ़ाया था। और काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी क्योंकि आज शहरी के बाद हम सो नहीं पाए थे और सीधा ही हम डॉक्टर के यहाँ चले गए थे। और फिर वहाँ से आने के बाद भी मुझे ट्यूशन वगैरह देना था बच्चों को, तो आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाया था। और ये कल की वीडियो है इसलिए थोड़ी लेट हो गई थी, आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई है, तो टाइम नहीं मिला था। फिर आज भी बहुत सारे काम थे, कल की वीडियो में आप देखेंगे, और आज भी काफ़ी सारे काम मैंने किए थे तो एडिट करने का टाइम नहीं मिला अपलोड करने का। और ये मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे हैं। और ये देखें, ये मेरे बच्चों का ट्यूशन से जाने का ही मन नहीं होता है। और अभी कुछ बच्चों की छुट्टी हो गई थी और कुछ बच्चों की रह चुकी है अभी छुट्टी होने के लिए। और ये बच्चों का रीडिंग सेशन चल रहा था, कुछ बच्चे चले गए हैं और बाकी बच्चे अभी रहते हैं।
सभी बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद अब आ गई हूँ मैं कुकिंग करने के लिए। और अब बज चुके थे 5:30 और सबसे पहले कुकिंग करने के लिए मैं जब लगती हूँ तो फिर मैं सबसे पहले आटा गूंद के तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि आटे को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, अच्छा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और उसके बाद मैं फिर सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए लग गई थी। मैंने इस कुकर में आलू और अंडे बॉईल किए थे, आज मैं बना रही थी आलू अंडे की सब्ज़ी सिंपल। और टाइम ज़्यादा था नहीं, 1 घंटा मेरे पास था, तो मैंने फिर इसी कुकर में जल्दी से मैंने इसमें फ्राई किए हैं अंडों को, और फिर फ्राई करके मैंने निकाल लिए हैं अंडों को। और जिस भी हम बर्तन में अंडों को बॉईल करते हैं तो वो गंदा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, पता नहीं अजीब सा, और मुझे कुछ याद भी नहीं रहा। और फिर मुझे ज़्यादा बर्तन भी इकट्ठा नहीं करने थे, इसलिए मैंने कुकर भी चेंज नहीं किया है, कोई कढ़ाई वगैरह नहीं ली है, इसी में मैं बनाने लग गई हूँ। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इसे वॉश कर लूँ, क्योंकि कुकर गर्म था जब मैंने अंडे बॉईल किए थे, तो इसलिए। और सब्ज़ी वगैरह बनने के बाद भी मैं वैसे भी दूसरे किसी बर्तन में निकाल कर ही फ्रिज में रखती हूँ, कुकर वगैरह मैं नहीं छोड़ती हूँ मैं सब्ज़ी वगैरह, तो मैंने सोचा इसी में बना लेती हूँ। अभी टाइम नहीं था मेरे पास इतना, तो मैंने सब्ज़ी मसाला इसमें भून लिया है, मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी है, और आज रेसिपी भी नहीं दूंगी मैं इसकी आपको, सिंपल मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी। फिर किसी दिन इंशाल्लाह आलू अंडे की भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वैसे तो मोस्टली सभी को ये आते ही होंगे। और ये मैं साथ साथ जो मैंने पहले ही आटा गूंद कर तैयार कर लिया है, और मैं इसके पेड़े बनाकर एक साइड पर रख लूंगी, और बाकी आटा मैंने ढक के रख दिया है ताकि मुझे वो शहरी में काम आ जाए। और ये आलू हैं जो मैंने बॉईल करके रख रखे हैं, और इनको मैं मैश कर लूँगी हल्के से, मुझे ज़्यादा मैश नहीं करने थे सब्ज़ी में डालने के लिए। और ये मैंने सब्ज़ी में ऐड कर दिए हैं, और ये हरा धनिया मैंने चॉप करके रख दिया है एक साइड पर लास्ट में डालने के लिए सब्ज़ी में। और हरे धनिए से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद है तो वो अपनी मर्ज़ी है, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है हरा धनिया, तो मैं ज़रूर डालती हूँ सब्ज़ियों में। और पुदीना मुझे कम पसंद है, उसकी स्मेल फ्रेगनेंस मुझे नहीं अच्छी लगती है, बट मुझे हरा धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ ही मैं रोटियाँ भी तैयार करने लग गई हूँ, और आज बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, क्योंकि आज बाहर का ज़्यादा काम था और बहुत ज़्यादा धूप भी होने लगी थी आते टाइम। सुबह में तो हम खैर मॉर्निंग के टाइम गए थे तो इतना धूप नहीं थी, बट वहाँ से आते आते हमें 12 बज गए थे, तो धूप हो जाती है उस टाइम, काफ़ी गर्मी भी पड़ने लगी है अब। और वैसे भी घर में रहकर कुछ काम करने में इतनी थकावट नहीं होती है मुझे, बट कहीं आने जाने में थोड़ी थकावट सी फील होती है। और ये मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी, और इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है, और मेरी रोटियां भी बन गई हैं, और मैंने सारा गैस वगैरह टॉप काउंटर सब क्लीन कर लिया है। उसके बाद में जो मैं ये ककड़ी लेकर आई थी फ्रेश एकदम, और इतनी अच्छी लग रही थी, और साथ में मैंने जो गाजर ली थी, जो ऑरेंज वाली ये गाजर आती हैं, वो भी मैंने कट कर ली है। इन्हें सैलेड में भी खा सकते हो आप, ऐसे भी खा सकते हो, ये काफ़ी अच्छी लगती हैं। और ये साइड में मैं अब त्यारी भी काटने लगी हूँ, और ये खरबूजे कट किए हैं मैंने, और बनाना मैंने कट किए हैं। अगर ज़्यादा टाइम रहता है अफ्तियारी में तो मैं बनाना को इस तरह से कट नहीं करती हूँ, हाफ़ कट करके रखती हूँ, बट अभी टाइम इतना था नहीं, टाइम होने ही वाला था, तो
मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिए हैं और मैंने शरबत भी बना लिया है। आज मैंने शरबत में थोड़ा सा दूध भी ऐड किया था और इसमें शिकंजी मसाला स्किप किया है मैंने, वो नहीं डाला है इसमें, और ना ही इसमें मैंने कोई सॉल्ट नमक ऐड किया है ये। फिर मैंने इसमें आइस क्यूब डाल दिए हैं और मुझे इसमें बीज भी डालने थे तुक मलंगा के, बट वो अभी मेरे पास थे नहीं फूले हुए, और उन्हें भिगो के रखना पड़ता है पहले कुछ देर के लिए। और ये थी बिरयानी और चटनी हमारे पास रखी हुई थी, तो ये मैंने बिरयानी और ये बिरयानी मैंने घर में नहीं बनाई है, ये आई थी कहीं से हमारे यहाँ। और ये हमारी अख्तियारी रेडी है। और ये मेरा छोटा सा व्लॉग आज का आपको कैसा लगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दुआओं में मुझे याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़। Wham! Do 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 do